दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, और जो आप सबका हमेशा क्वेश्चन रहता है, और आज यही चीज़ बहुत ही डिटेल में हम क्लियर करने वाले हैं एज अ प्रूफ पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है आप सभी को क्या देखने को मिलेगा जब पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी, और अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या प्रिडिक्शंस चल रही है जो फ्यूचर में होने वाला है वो प्रॉपर तरीके से आपको US डॉलर्स के अंदर पता लगने वाला है। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से के आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। उसके साथ अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है KYC को लेके, नेम चेंजेस को लेके, या इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, माइनिंग को लेके क्या चल रहा है, सब कुछ आपको पता लगने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख पाओगे किस तरीके से वापस से प्रमोशंस, मीटिंग, बार्टर सिस्टम, ये सब हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि पाई नेटवर्क के पायनियर्स कर रहे हैं, जिसका फुटेज आप स्क्रीन पे देख पाओगे। उसके साथ चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है किस तरीके से वर्कशॉप को ओपन किया जा रहा है, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, एडुकेट किया जाता है पायनियर्स को कि पाई नेटवर्क किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, ऐसे कौन से टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे Web3, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, P2P पेमेंट्स, इन सभी चीज़ों की बात की जाती है। अगर आपके पास इन सभी चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज होगी या बेसिक नॉलेज भी होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, या आप एक बेस्ट प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हो कि कौन से फ्यूचर में अच्छा सस्टेन करने वाला है, लॉन्ग टर्म में जाने वाला है, जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा, या शॉर्ट टर्म के अंदर कौन अच्छा प्रॉफिट देगा वो तभी हो पाएगा जब आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होगी। और यही सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, जो कि पाई नेटवर्क के जो मेंबर्स हैं या जो लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख पाओगे। ये नाइजीरिया वगैरह का फुटेज है, उसके साथ और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ हैं, जैसे USA हो गया, कोरिया हो गया, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड वगैरह किया जाता है, अवेयरनेस वगैरह फैलाई जाती है। उसके साथ कुछ और देख पाओगे फुटेज जो कि ताइवान की तरफ से आ चुका है। हर एक कंट्री के अंदर पाई नेटवर्क को बहुत ही अच्छे लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा है। इस लेवल ऑफ सपोर्ट आपको किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को नहीं मिलता, जिस लेवल पे पाई नेटवर्क का प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मतलब कि ये ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये ले जा चुके हैं। जितनी भी आप कंट्रीज़ देखते हो, हर एक कंट्री के अंदर पाई नेटवर्क के पायनियर्स हैं, या वहाँ पे कोई ना कोई आपको ट्रांजैक्शंस या एडवर्टाइजमेंट, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिल जाती है, चाहे वो इकोनॉमिकल वे में छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो। उसके साथ कुछ और फुटेज मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। उससे पहले हम KYC की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाई KYC की बात की जा रही है। अकाउंट्स इन टेंटेटिव स्टेटस हैव बीन फुल्ली अप्रूव्ड एंड आई कैन वेरीफाई पायनियर्स अगेन। ठीक है, जो फुल KYC है, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है, और जो टेंटेटिव KYC है वो डिफरेंट चीज़ है। जो फुल KYC है, जो आपकी KYC पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जा रही है, तो आप वेल एंड गुड है, आपको कोई भी चीज़ के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टेंटेटिव KYC कंप्लीट है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही नियर पहुंच चुके हो फुल KYC के। तो टेंटेटिव KYC कंप्लीट करना भी आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आपकी KYC टेंटेटिव कंप्लीट नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम है, तो आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। और आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो सही तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पे KYC के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट नोटिस की बात की जा रही है, जहाँ पे आपके नेम की बात की जाती है, वैलिडेटर की बात की जाती है। इफ़ यू आर साइन अप फॉर पाई नेटवर्क, प्लीज़ डबल चेक योर नेम विद इन 14 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप साइन अप कर लेते हो पाई के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को डबल चेक करना है अपने नेम को 14 दिनों के अंदर। जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, 14 दिनों के अंदर आप चेक कर लो अच्छे से कि हाँ, जो मैंने नेम मतलब डाला है वो सही डाला है, स्पेलिंग, सरनेम, सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से चेक करना है। क्यों बताया जा रहा है? मेजर नेम चेंजेस वुड नॉट बी पॉसिबल आफ्टर दैट। ठीक है, जो मेजरली नेम चेंजेस हैं उसके बाद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ओनली माइनर करेक्शन फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, जो माइनर अकाउंट्स हैं उनके करेक्शन हो सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर, बट आपको जब आप फॉर्म भरो तो सही तरीके से भरो, ठीक है। इस चीज़ की यहाँ पे साफ साफ बात की जा रही है, अगर आप सही तरीके से फॉर्म को फिल करोगे तो आपका एक बार में ही वेरीफाई हो जाने वाला है। उसके साथ कुछ और फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो स्कूल्स हैं वहाँ पर भी हमें इसके प्रमोशंस एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाते हैं, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो बेसिकली इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और पाई नेटवर्क की हमें बुक्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाओगे, और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बुक्स के अंदर और टेक्निकल टर्म्स के अंदर समझाया गया है, बेसिक टर्म्स के अंदर समझाया गया है किस तरीके से पाई नेटवर्क काम करता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं
पाई नेटवर्क के वैल्यूएशन के बारे में हम प्रॉपर डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले में जाने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट जब मैं बताऊंगा अपडेट उसमें जाने वाले हैं। और उसके साथ आपको बेस माइनिंग रेट के बारे में भी पता चल जाएगा कि अभी किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। इफ़ वी एंटर ओपन मैनेज एट द एंड ऑफ दैट ईयर, ठीक है, इसी साल के आखिर में हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पाई का वर्थ है, पाई का जो वैल्यूएशन है, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। कोई बोलता है $1, कोई बोलता है $100, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई जीसीई वैल्यूएशन बोलता है, कोई बहुत कम बोलता है। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं पाई नेटवर्क के वैल्यूएशन को लेके, बट सारा कुछ आप सभी को पता है, फाइनल जो डिसीजन होगा वो पाई को टीम ही करने वाली है, जो भी उनकी कैलकुलेशन है, जो भी इकोनॉमिकल फैक्टर वो लगाने वाले हैं। यहाँ पे $1 से लेके $100 के बीच में बात की जा रही है, विच माइनर विल हैव मोर पाई परचेज पावर एंड डू गुड इन द इकोनॉमी, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स होंगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके पास ज़्यादा वैल्यूएशन होने वाला है। अगर एक पाई का वैल्यूएशन $10 भी आता है, किसी के पास 100 कॉइन्स है, किसी के पास 1000 कॉइन्स है, सिंपल सी बात है, जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स होंगे उसके पास उतना ज़्यादा वैल्यूएशन होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास ज़्यादा है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं बेस माइनिंग रेट के बारे में। सितंबर स्टार्ट हो चुका है और मैंने आपको कल की वीडियो में बता चुका था कि किस तरीके से अब भी ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या रीज़न है वो मैं आपको क्लियर कर चुका था। अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो न्यू बेस माइनिंग रेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि सितंबर में स्टार्ट हो चुका है। जो पहले था वो था 0.0048848 के आसपास, और जो अभी है 0.0056938 के आसपास, ठीक है, पर आर के हिसाब से इस तरीके से होने वाला है। और लिखा गया है दिस इंक्रीज इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर शेयरिंग नॉट इंस्टॉलेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं अब ये किया जा रहा है कि अपने आप फ़ोन से ही अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा माइन कर पाओगे, इसीलिए बेस रेट को बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो साफ साफ बताया जा रहा है कि 16.56% के आसपास का बेसिकली यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी टाइम के अंदर जितने भी पाइनियर्स पाई नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जो पुराने हैं उनको भी यहाँ पे बेनिफिट सबको यहाँ पे मिलने वाला है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के वैल्यूएशन के बारे में, जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था वही चीज़ अब क्लियर करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है पाई नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन 2024 से लेके 2050 तक, ठीक है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे 2024 के अंदर बताया जा रहा है जो पाई कॉइन है, एक पाई कॉइन है जिसका वैल्यूएशन हिट हो सकता है वो $314 के आसपास हो सकता है। फिर 2028 के अंदर बताया जा रहा है कि ये 3000 से ऊपर जो डॉलर्स में वो हो सकता है। फिर 2035 के अंदर 31000 से ऊपर। फिर 2050 के अंदर ये 3 लाख से ऊपर हो सकता है, जो कि पाई नेटवर्क का GCV वैल्यूएशन है। अब हम बात करते हैं इसका रियलिटी से क्या कनेक्शन है। सबसे पहली बात, ये प्रिडिक्शंस है, ठीक है, ऐसे अजम्पशंस लगाई जा रही है। अब रियलिटी की हम बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर जो आपको कॉइन का वैल्यूएशन देखने को मिलने वाला है वो आपको कम ही वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्री में माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। स्टार्टिंग में आपको कम ही देखने को मिलेगा, $1 से कम ही देखने को मिल सकता है, या $1 मिल सकता है, ठीक है। $1 से मैं कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पाई नेटवर्क जो है उसका एक प्रोजेक्ट था पाई ब्रिजेस करके, जो कि 1 साल से ऊपर हो चुका है, जो वियतनाम के अंदर उसका ऑफलाइन आप प्रॉपर ऑफिस भी देखते हो। उसका जो वैल्यूएशन था कॉइन का वो $0.3-$0.4 के आसपास था, ठीक है, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, और $0.5 के आसपास ऑल टाइम हाई वो गया था, और अभी वो ट्रेड भी हो रहा है पाई ब्रिजेस पे, ठीक है। अब पाई नेटवर्क अपना जो मेन कॉइन है पाई कॉइन लॉन्च करेगा, जिस वजह से हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, 5 साल से ऊपर हो चुका है। अब ये जो कॉइन आएगा तो आप समझ सकते हो कि $0.34 भी अगर ये स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे करके ये $1 तक इजीली हिट कर लेगा, क्योंकि सभी लोग मेजरली इसी का वेट कर रहे हैं, और इस कॉइन की वजह से बहुत सारी चीज़ें होने वाली है एज अ पेमेंट मेथड, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें ये करने वाला है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर NFT, मेटावर्स, गेमिंग DAO, Web 3.0 और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं। जो चीज़ें ये बताता है, अगर ये सक्सेसफुल जाएंगी, इकोनॉमिकल वे में सब कुछ पॉजिटिवली होने वाला है, यूज़र्स की नीड्स को ये कंप्लीट करेगा, तो सिंपल सी बात है इसका वैल्यूएशन बढ़ने वाला है। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस या कोई भी क्रिप्टो करेंसी तभी चलती है जब वो यूजर्स को कहीं ना कहीं नीड्स को कंप्लीट कर रही है, ठीक है, उसी चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस तरीके से वैल्यूएशन होने वाला, धीरे धीरे करके जो उसका वैल्यूएशन है $5, $10, $15 इस तरीके से इंक्रीज करेगा, जो मैंने अभी आपको ये कंडीशंस वगैरह बताई हैं। बात की जाए GCV वैल्यूएशन के बारे में, जो कि $314,000 है, इसके पीछे की रियलिटी सिर्फ इतनी है, मैथमेटिक के अंदर जो पाई का वैल्यूएशन होता है वो 3.14 वो इन्फिनिटी लेवल तक चलता है,
उसी को बेसिकली इसमें कंसीडर किया गया है। ये है प्रमोशनल पर्पजेस के बिहाफ पे। पाई नेटवर्क के आपको प्रमोशंस देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर कार को बाय किया जाता है, गोल्ड को, प्रॉपर्टी को बाय किया जाता है, और पाई कॉइन बहुत कम होते हैं वहाँ पे। मतलब वो GCV वैल्यूएशन को कंसीडर करके दिखाते हैं कि ये वाली कार को बाय कर लिया गया है, जो बहुत लग्जरी कार्स होती है। GCV जो वैल्यूएशन है उसको INR में आप कन्वर्ट करोगे तो 2.7-2.8 करोड़ के आसपास होता है एक पाई कॉइन, जो कि इतना बड़ा नंबर आना पॉसिबल अभी हाल फिलहाल के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन का भी आप वैल्यूएशन देखोगे वो भी $1,00,000 तक अभी नहीं पहुंचा, जबकि वो किंग ऑफ क्रिप्टोकरेंसी है, जो आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।